इसके आगे के चैप्टर में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ सीखा। लेंथ में हमने क्या सीखा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी लेंथ या तो डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं वो। अभी यहाँ पे देखते हैं वेट। तो वेट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच टेल अस अबाउट इट्स हेवीनेस। वेट क्या है, प्रॉपर्टी है कोई भी ऑब्जेक्ट की जो हमें क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट कितना भारी है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कितना भारी है उसके लिए हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। Here are given some weight which we see commonly in our daily life। हम हमारी डेली लाइफ में कोई ना कोई चीजों का वेट करते रहते हैं। वेट यानी वजन, हम कोई भी चीज का वजन करते रहते हैं। We use standard units किलोग्राम एंड ग्राम टू मेजर वेट डिनोटेड बाय केजी एंड जी। हम वेट को मेजर करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम एंड ग्राम दो यूनिट है। तो किलोग्राम को हम स्मॉल केजी डिनोट करते हैं और ग्राम को हम स्मॉल जी डिनोट करते हैं। किलोग्राम इज बिगर यूनिट व्हाइल ग्राम इज स्मॉल। किलोग्राम और ग्राम में किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है ग्राम के कंपेयर में। ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है। फिर आपने आयरन के वेट वेटिंग देखे होंगे। आयरन के जो वेट मेजर करने के आते हैं वो आपने देखे ही होंगे। वो 10 ग्राम के आते हैं, 20 ग्राम के भी होते हैं, 50, 100, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम। ये सब आयरन के बने हुए होते हैं। इसको पहले हम पहले के जमाने में वेगिंग बैलेंस करके जो आता था उस पे रख के हम मेजर करते थे, बट अब तो लोग इलेक्ट्रिक मशीन से ही मेजरमेंट करते हैं। पहले ऐसा वेगिंग बैलेंस आता था जिसमें दो पेंस होते थे, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों ही इक्वल साइज के होते थे। एक पेन में जिसका वेट मेजर करना हो वो रखते थे और दूसरे पेन में वो आयरन के पॉल्स रखते थे। ये सब जो है वो, और इसमें तब तक चेंजेस करते रहते थे जब तक ये दो पेन इक्वली बैलेंस ना हो जाए। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। नाउ लेट अस सी सम कॉम्बिनेशन ऑफ वेट। जो आयरन के वेट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। उसके पहले एक ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 किलोग्राम 100 ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं। 50 ग्राम के अगर दो वेट हम मिक्स करते हैं तो वो कितना वेट बनाता है, 100 ग्राम। 50 प्लस 50 ग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम। फिर सेकंड है 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम ग्राम प्लस 100 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 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। 10 टाइम्स 100 ग्राम को हम साथ में रखते हैं तब 1 किलोग्राम बनता है। 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। दो 500 ग्राम के वेट्स रखते हैं तो भी वो क्या होता है, 1 किलोग्राम। 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम एंड 200 ग्राम। 200 ग्राम के पांच वेट्स रखते हैं तो भी वो क्या करता है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये तीन कॉम्बिनेशन है। 100 ग्राम के 10 वेट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, 500 ग्राम के दो वेट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, 200 ग्राम के पांच वेट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, और